हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्किल वेव में। मेरा नेम है ब्रजेश सिंह, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपके लिए आईटीआई की पूरी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के लिए और फिटर ट्रेड के लिए स्पेशली। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग ये फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो फर्स्ट थ्योरी सेशन हम लोगों ने लिया था, जिसमें हम लोगों ने यूनिट सिस्टम एंड कन्वर्जन के बारे में सीखा था, तो उसी से रिलेटेड टॉप 40 मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस ले रखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एनसीवीटी बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसी की प्रैक्टिस करवा देते हैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि देखिए कितना इजी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज के पहले क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि 2 मीटर, ठीक है। वैसे आपको मैं बेसिक्स एक बार जो बता चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट लेक्चर आप देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे, वो सब कुछ हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, ठीक है। मैं आई बटन पे इसका जो है आपको लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो सेशन आप देख लीजिए, ठीक है। और यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड उसमें पूरी की पूरी बातें की गई हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप वहाँ से समझ लीजिए, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है। बहुत इजी है, देखिए आपको अभी खुद ही समझ में आ जाएगा कि इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है और सब के सब क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, यही आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में भी इसी से लगभग मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस इसी को प्रेफर कर किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन आपके लिए यही है मुझे लग रहा है अभी का, 2 मीटर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 2 मीटर किसके बराबर होता है लगभग, ठीक है। तो आप पहले देखिए कि उधर क्या लिखा हुआ है, तो आपको किस यूनिट में कन्वर्ट करना है वो आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंचेस में, तो उनका कहना है कि 2 मीटर कितने इंच के इक्वल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है स्टूडेंट्स, देखो ये चीज़ें क्या है मेमोरी में आपको हमेशा रखनी है, ठीक है। अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हो तो एटलीस्ट ये चीज़ें आपको यूनिट और यूनिट का कन्वर्जन, ठीक है, ये आना चाहिए, ये मस्ट है आप लोगों के लिए, चाहे आप जिस ट्रेड के लिए हो, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 39.37, ठीक है, 39.37 या 36, ठीक है, इंचेस, इंचेस, ठीक है, ये होता है स्टूडेंट्स। तो अभी मुझे बताओ, अगर आपको 2 मीटर की कैलकुलेशन करनी है तो 2 मीटर के लिए क्या कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो भाई। 1 मीटर इक्वल्स टू 39.37 इंचेस, ठीक है, तो 2 मीटर में कितने इंचेस, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, इम्प्लाइज डैट, और ये हो गया 2 मीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 39.37 इंच, ठीक है, इंचेस। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये नियरली कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा आपका 78.74 इंच के नियर अबाउट आएगा, ठीक है। तो आप इसको खुद से सॉल्व करिए अपने से, है ना, तब देखिए कि क्या है, और आंसर फिर मैच कराइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, देखिए स्टूडेंट्स, वो है आंसर नंबर सी, ठीक है, वो मैच कर रहा है 78.74, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए है, निम्न में से समय का एसआई मात्रक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद समझ रहे हो, ठीक है। ये तो आप लोगों को बचपन से पता है कि समय हम लोग किसमें मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड में, मतलब है ना, आवर्स में, मिनट में, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट स्टूडेंट्स सेकेंड होती है, याद रखना, एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो इसमें ऑप्शंस में अगर आप नज़र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड हम लोगों को बात करना है। ध्यान रखना, हम लोग एसआई यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि कोई भी यूनिट सिस्टम हो, उसके लिए जो यूनिट है, जो मात्रक है, एसआई यूनिट हो चाहे एमकेएस यूनिट हो, सभी के लिए सेकंड ही है, ठीक है, याद रखना। और उसके अलावा अगर किसी को डाउट हो रहा है कि घंटा क्यों नहीं है या मिनट क्यों नहीं है, तो स्टूडेंट्स वो बड़ी यूनिट है, ठीक है। एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट, ये सारी चीज़ें केवल सेकेंड ही होती हैं, ठीक है। चलो तो इसको मेमोराइज करके रखो, आप दिमाग में रखो इस चीज़ को ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड
भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को, लेकिन इजी है। देखिए, एक बार आप समझ लेंगे तो आपको फिर बाद में समझने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा के लिए इसको याद कर ले जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है 1 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम का तो मतलब वैसे भी आप जानते हैं, लेकिन 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। पहले आप समझो कि ये जो 1 किलोग्राम की मैंने बात किया है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 किलोग्राम, ठीक है। तो अगर मैं केवल किलोग्राम की बात करूँ, केवल किलोग्राम की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो ये जो है ना द्रव्यमान की यूनिट होती है, ठीक है। ये द्रव्यमान, द्रव्यमान एम से जो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए ये मात्रक होता है, ठीक है, किलोग्राम। लेकिन अगर मैं किलोग्राम भार की टोटल बात करूं, ठीक है, मतलब अगर मैं यहां से लेके और यहां तक का मैं टोटल बात करूं, तो स्टूडेंट्स ये जो है ना ये भार का मात्रक होता है, ठीक है। किसका? भार का मात्रक, किलोग्राम भार का मात्रक होता है, ठीक है। अच्छा, भार को किस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी के लिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, लेकिन ये आगे चल के आएगा, आप आपके उसमें सिलेबस में है। इसका फॉर्मूला होता है एम और मल्टीप्लाइड बाई जी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये जी क्या है? तो ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या है ये स्टूडेंट्स? गुरुत्वीय त्वरण। आप लोगों ने 10th क्लास में गुरुत्वाकर्षण वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें स्मॉल जी की वैल्यू आप लोगों को मालूम होगी, गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण हो गया स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि किलोग्राम तो यूनिट होती है द्रव्यमान की, लेकिन अगर किलोग्राम भार की आप बात करोगे तो ये भार की यूनिट होगी, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में भार निकालना है, ठीक है। तो आपको समझना है कि 1 किलोग्राम का मीनिंग क्या हुआ। चलो, तो उसका मीनिंग हो गया आपका 1 kg मल्टीप्लाइड बाई भार। अगर कर रहे हो तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? 9.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 9.8। तो 9.8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 kg मिटा दो, ठीक है, 1 × 9.8 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 1 × 9.8, 1 × 9.8, ठीक है। अच्छा, अगर आप सोचो कि अब यूनिट क्या है, तो यूनिट आपकी क्या बन रही है? अगर 1 के लिए लिखते यूनिट तो केजी लिखते, और 9.8 के लिए यूनिट लिखोगे तो क्या लिखोगे, मतलब जो मात्रक लिखोगे मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इतना लिखोगे। और स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 9.8 ही आएगा, लेकिन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो हमेशा के लिए कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, ठीक है। तो आंसर अब आप चेक कर सकते हो, देखो आंसर आपका आपके सामने है, ठीक है, 9.8 न्यूटन, 81 लिखा हुआ है, हाँ 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 9.81 एक्चुअल जो है वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे 1 आप बना लीजिए, ठीक है। तो 9.8 न्यूटन कि कौन सा आंसर आपको नजर आ रहा है? फोर्थ आंसर। तो ये हो गया आपका डी आंसर, सही हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करता हूँ देखिए आपको समझ में आ रहा होगा ये सब, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर बताइए, ठीक है, आगे और भी अच्छे तरीके से मैं और कोई टेक्निक से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन में है आपके लिए 4th क्वेश्चन, अगर आप देखें तो देखिए 1 मैट्रिक HP। अच्छा चलिए, HP पहले तो आपको समझना है, देखिए इसमें लिखा है 1 मैट्रिक HP किसके बराबर होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें आपको चेक करना है। लेकिन आपको डाउट ये होगा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा कि 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वॉट होता है, ठीक है, 746 वॉट होता है, आपको ये पता है, बहुत पहले से आप याद करके इसको मेमोराइज करके रखे हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मैट्रिक HP, ठीक है, 1 मीट्रिक HP, तो देखो ये जो मीट्रिक वर्ड है ये किसी दूसरे चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो 1 मीट्रिक जो HP होता है वो आपका 746 नहीं होता, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 746 वॉट। एक्चुअली ये इसकी जो वैल्यू है वो अलग है, ठीक है, ध्यान रखो इस बात को, मैंने आपको क्यों बताया है। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि ये HP क्या है, ठीक है। आपने सुना होगा कि जैसे कहते नहीं, हाँ ये इतने HP की मोटर है, ठीक है, तो इतने HP की मोटर मतलब HP क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? HP जो है क्या बताता है? अगर आपने जनरली सुना है कि इतने HP की मोटर है, तो अगर कोई HP मोटर के लिए यूज़ किया गया है मतलब उसकी शक्ति को बता रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, शक्ति को बता रहा है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? हॉर्स पावर, ठीक है, हॉर्स पावर, ठीक है, अश्वशक्ति, अश्वशक्ति,
ठीक है, हॉर्स पावर, पी से पावर है, ठीक है, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, ठीक है, तो ये हॉर्स पावर है। अभी तो आपको ये पता चल गया, तो शक्ति की तो वैसे भी आप और यूनिट जानते थे, ठीक है, वॉट तो आपके सामने है, वॉट में ये तो कैलकुलेशन हो ही रही है। तो ध्यान से समझो, ये जो 1 HP है वो 746 वॉट के बराबर तब होगा जब हम लोग इसको यांत्रिक रूप से बोलेंगे, ठीक है, यांत्रिक यांत्रिक टर्म में बोलेंगे। अभी आगे चल के इसको मैं बताऊंगा जब पावर वगैरह का और ढंग से डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग तो इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझो ये यांत्रिक, जब हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल हॉर्स पावर, ठीक है, मैकेनिकल यांत्रिक अश्व शक्ति, तब हम लोग बोलेंगे 746, और अगर हम लोग बोले 1 metric HP तो फिर वो 746 नहीं होगा स्टूडेंट्स, 1 metric मेट्रिक एचपी जो होता है स्टूडेंट्स वो है आपका 735.5 वॉट, ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर आपका सही हो गया बी। देखो मैंने आपको बताया भी कि जो आपकी कंफ्यूजन है 746 वॉट जो होता है वो एक्चुअल में वो ये नहीं है, ठीक है, 1 metric HP नहीं है, वो जनरल 1 HP है जो यांत्रिक टर्म में यूज़ किया जाता है, मैकेनिकल टर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैकेनिकल हॉर्स पावर के लिए 746 होता है और 1 metric HP के लिए 735.5 वॉट होता है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए, 1 inch इज इक्वल टू पूछ रहे हैं, तो चलो यूनिट कन्वर्जन का ही है और वही चीज हम लोग सीख भी रहे हैं, ठीक है। 1 inch, देखो स्टूडेंट्स ये है तो वैसे बहुत इजी चीज, इन फिर भी अगर आपको टफ लगती है तो आपको ये केवल टफ इसलिए लगेगी क्योंकि आपको यूनिट कन्वर्जन मेमोराइज नहीं है, ठीक है, तो उसी की एक तरीके से ये प्रैक्टिस हो रही है। बाकी इस क्वेश्चन सीरीज में बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ कुछ रूल नहीं है, ठीक है, केवल यूनिट कन्वर्जन हम लोग सीख रहे हैं लगातार। चलिए तो अगर हम इसको आपको बताएं कि कितने सेंटीमीटर होते हैं तो आपको पता है 2.54 सेंटीमीटर, लेकिन अगर इसी को हम लोग बोले एमएम में कितना होता है तो ये हो जाएगा 25.4 mm, मतलब मिलीमीटर, ध्यान से समझना, मिलीमीटर की अगर बात करें, मिलीमीटर की बात करें तो इतना होगा, सेंटीमीटर की बात करें, ठीक है, सेंटीमीटर की अगर बात करें तो ये होगा, ठीक। चलो तो आओ देखते हैं किस में पूछ रहा है, एमएम में, ठीक है, एमएम में पूछ रहा है, तो इसका मतलब हुआ आंसर आपके लिए क्या है फ्रेंड्स, आंसर क्या है, 1 inch इज इक्वल्स टू 25.4 mm, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर आपका कौन सा सही हो गया स्टूडेंट्स, बी आंसर सही हो गया, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है आपका एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, फटाक से इसका आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, एमकेएस, ठीक है, एमकेएस भूल तो नहीं गए, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड याद है ना। तो एमकेएस सिस्टम में द्रव्यमान, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि एक स्लाइड में मैंने बताया कि ये द्रव्यमान द्रव्यमान को एम से शो करते हैं, ये यूनिट नहीं बताया था मैंने, और द्रव्यमान की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केजी होता है, और केजी यहाँ पे है ना किलोग्राम, तो एमकेएस में क्या हो गया, केजी हो गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो एमकेएस यूनिट है किसकी, द्रव्यमान की, वो क्या है, किलोग्राम है, ठीक है, किलोग्राम है, ठीक है, केजी, ठीक। तो इस हिसाब से आंसर आपका कौन सा सही हो गया स्टूडेंट्स, डी आंसर सही हो गया। उसके अलावा जैसे अगर आप इसमें देख रहे हैं पाउंड, ग्राम, न्यूटन, तो न्यूटन तो फोर्स की यूनिट होती है, वेट की यूनिट होती है, मतलब भार की, ग्राम भी होती है, लेकिन वो जो है आपका सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है, और पाउंड, पाउंड क्या होता है, वो आपका एफपीएस यूनिट होती है। तो पाउंड अगर आप इसमें पहले वाले आंसर में जाओ तो वो आपका कौन सा यूनिट सिस्टम हो जाएगा, एमकेएस नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा फुट पाउंड सेकंड, है ना, एफपीएस सिस्टम हो जाएगा। और अगर आप दूसरे ऑप्शन पे जाओ, ग्राम जिस पे लिखा हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा सीजीएस, और अगर आप लास्ट ऑप्शन पे जाओ तो जो हमारा आंसर है ना, किलोग्राम, ठीक है, ध्यान रखना केजी लिखा हुआ है, ठीक। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 अब देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका इकाइयों की एसआई प्रणाली में बल का मात्रक, ये तो और आसान है ना, बल के लिए एसआई यूनिट जो होती है, मतलब जो फोर्स है स्टूडेंट्स, फोर्स, फोर्स के लिए जो एसआई यूनिट है, ठीक है। अच्छा चलो दोनों यूनिट में बताता हूँ, आपको पता है अभी अभी पीछे भी मैंने बताया, अभी अभी पढ़ाया आपको कि केजी मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट है फोर्स की, लेकिन इसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स न्यूटन। ठीक, अच्छा न्यूटन क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन साइंटिस्ट थे। अच्छा तो न्यूटन साहब के नेम पे इसकी यूनिट रख दी गई। ठीक है, तो वैसे अगर हम इस टर्म को एनालाइज करें तो इसको हम लोग एम के एस बोल सकते हैं, और ये इक्वल टू होता है न्यूटन, तो इसको हम लोग एस आई यूनिट बोलते हैं, क्योंकि सभी लोग इसके नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, मतलब इसको बोले तो यूनिट को जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया। तो इस हिसाब से आंसर अगर आपका देखा जाए तो फिर आपका आंसर हो गया आंसर नंबर बी। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युतीय मात्रक नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप समझो कि विद्युतीय मात्रक हम उनको बोलेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक यूनिट की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक यूनिट वो हो गए स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, मतलब जो वैद्युत भौतिक राशियों की अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो यूनिट होंगी वो वैद्युत मात्रक होंगे। इसमें से मुझे बताओ इन चारों ऑप्शंस में रीड करके कि कौन सा ऐसा यूनिट है जो वैद्युत उसमें नहीं हम लोग यूज करते। अब जैसे वोल्टेज है, तो वोल्टेज तो घर में वोल्टेज आता है, ये विद्युतीय जो है मात्रक होगा। धारा है, ये भी एक ऐसी भौतिक राशि है जो मतलब रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को। दूरी, ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो है दूरी। तो दूरी, दूरी से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, विद्युतीय मात्रक है नहीं ये, शक्ति भी क्या है मतलब पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर होती है। तो आंसर आपका स्टूडेंट्स क्या हो गया, सी। ठीक है, तो दूरी तो जनरल हम लोग जैसे चलने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिकल यूनिट का विशेष लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। ठीक है, दूरी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट से धारा को किसमें नापा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आपके घरों में जो धारा प्रवाहित होती है बच्चों, है ना, धारा जिसको कहते हैं करंट। ठीक है, करंट जो है वो करंट कैसे मेजर करते हैं, मतलब उसकी यूनिट क्या होती है, कैसे बताओगे कि कितनी करंट फ्लो कर रही। तो आप बोलोगे ना 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही, 2 एम्पियर फ्लो कर रही, तो इसकी यूनिट बोलते हो ना, इसका मतलब आप एम्पियर को, एम्पियर ये क्या है, ये आप यूनिट बोल रहे हो। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन पे जरा ध्यान दो, एम्पियर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको एम्पियर ऐसे लिखते हैं। और अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट में देखो, ठीक है, जैसे एमिटर में आप देखो स्टूडेंट्स, तो वहां पे देखो इस तरीके का सिंबल बना होता है ए। ठीक है, ये सिंबल यही बताता है कि जो ये करंट है उसके लिए जो ये मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है वो क्या मेजर करेगा, एम्पियर में मेजर करेगा। ठीक है, तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 10 देखें तो ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं। बहुत सिंपल है, ये तो आपको बस डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, एक एकड़ में, अच्छा एकड़ होती किसकी यूनिट है ये मैं बताता हूँ आपको, बाकी 1 एकड़ इज इक्वल टू होता है 0.405 हेक्टेयर। ठीक है, अब आप बताओ हेक्टेयर में क्या मेजर करते हो स्टूडेंट्स, हेक्टेयर में किसको नापते हो, हेक्टेयर में या एकड़ में बोलते हो किसको, एरिया को, है ना। ये खेत होते हैं ना, खेत उसको बोलते हैं ना, इतने हेक्टेयर खेत है, इतने एकड़ खेत है मेरे पास, है ना। तो ये है, ठीक है, अब खेत तो हालांकि कम होते जा रहे हैं, तो अब हेक्टेयर और एकड़ एकड़ नहीं बोलते हैं, सीधे जनरल लैंग्वेज में बीघे बोल देते हैं। ठीक है, तो वो भी एक यूनिट होता है। तो फिलहाल अभी एकड़ और हेक्टेयर में देखिए क्या रिलेशन वो आपके सामने है। तो आपको पता है कि ये किस चीज की यूनिट है, क्षेत्रफल की यूनिट है। ठीक है, एरिया, ठीक है, ये एरिया की यूनिट होती है स्टूडेंट्स, याद रखना। तो ये भी किसकी यूनिट हो गई, क्षेत्रफल की। ठीक है, क्षेत्रफल, तो इस तरीके से है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूँ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है, इतना इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए एक सामने है आपके क्वेश्चन, लिखा हुआ है 1000 वाट, 11th क्वेश्चन है, 1000 वाट इज इक्वल्स टू हाउ मच एच पी, मतलब कितने हॉर्स पावर के बराबर होता है। तो आपको अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया था, जब मेट्रिक हॉर्स पावर की बात करें तो 735.5 होगा, और वैसे ही 746 होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम वॉट को रिलेशन बनाए एच पी से, तो आपको सबसे सिंपली ये सबसे पहले पता है कि 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वॉट, ये आप पता है। ठीक है, तो अभी बताओ कि 746 वॉट अगर बोले तो लगभग 1 HP होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि 1000
वॉट, ठीक है, 746 से जो कि ज्यादा है आपका, ठीक है, 1000 वॉट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब 1 HP से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो मतलब एक अप्रोक्सीमेशन आंसर मैं बता रहा हूँ, बाकी आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही करोगे, फिर भी जैसे अप्रोक्सीमेशन इसमें ऑप्शन में आपको टिक करना हो तो आप क्या बताओगे, मतलब 1 HP अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था, 746 लिखना चाहिए था, है ना, 746 वॉट लिखना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ 1000 वॉट लिखा है इसका मतलब ज्यादा है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, डबल तो है नहीं लेकिन ज्यादा है, ठीक है। अगर ये डबल होता 746 की, डबल होता तो आप क्या लिख देते हैं, 2 HP लिख देते, क्योंकि इसका भी डबल हो जाता, लेकिन अभी ये 746 है और ये 1000 है, तो 1000 है मतलब ये इससे हल्का सा ज्यादा है, तो इसका मतलब 1 से ही हल्का सा ज्यादा होगा। तो देखो जरा कौन सा 1 से हल्का सा ज्यादा है, तो आंसर में देखो लिखा हुआ है, आंसर में लिखा है सेकंड आंसर में 1.34। तो ये तो हो गया अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिससे आपको तुरंत आंसर पता चले कि हाँ ये होता है। तो एक तरीके से जो आपका आंसर हो गया वो है बी, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको मालूम है, देखो यहाँ पे सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, आपको पता है 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वॉट, ठीक है, जो कि जस्ट ऊपर लिखा हुआ है। इनका कहना है कि अब बताओ कि 1000 वॉट में कितना होगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं, इसको जस्ट अपोजिट लिखो, लिखो 746 वॉट इज इक्वल टू 1 HP, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं 1000 वॉट इज इक्वल टू कितना, हाउ मच, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कितना है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 1.34 आ जाएगी, ठीक है, 1.34 HP। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आया है, ठीक। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये लिखा है प्रदीप्त की इकाई क्या है, ठीक है, प्रदीप्त की इकाई, वैसे आपको पता है कि प्रदीप्त की इकाई क्या होती है, ठीक है, प्रदीप्ति का क्या मतलब है, इल्यूमिनेंस, ठीक है, इल्यूमिनेंस की यूनिट वही होती है जो आपने एक फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी, ध्यान होगा आपको, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता से ही ये बना हुआ है, ठीक है, प्रदीप्ति भी उसी को टर्म यूज करते हैं, लगभग सिमिलर मीनिंग है उसकी, ठीक है। बाकी ये चैप्टर में आएगा आपके, तो और डिटेल्स में इसको बताऊंगा, आने वाला है आगे, नेक्स्ट चैप्टर है ये, ठीक है। तो ये जो ज्योति तीव्रता है स्टूडेंट्स, ज्योति तीव्रता को ही बोलते हैं, तो ज्योति तीव्रता की यूनिट तो आप जानते थे, ठीक है, कैंडेला होता है, कैंडेला होता है ना, तो इसका मतलब इसकी भी यूनिट क्या हो गई स्टूडेंट्स, कैंडेला हो गई, ठीक है, ये ठीक, ये सही लिख दिया कि नहीं, ये सीडी, सॉरी, है ना, सीडी, कैंडेला, ठीक। तो प्रदीप्त की यूनिट क्या हो गई स्टूडेंट्स, कैंडेला। तो आंसर आपका कौन सा सही हो गया बताना जल्दी से, लास्ट ऑप्शन, ठीक है, तो आंसर नंबर आपका डी सही हो गया, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स कौन सा सही था, बी आंसर इसमें आपका सही था, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें लिखा है 10 to the power 6 माइक्रो, माइक्रो का सिंबल ऐसे भी बनाते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना, कभी कभी मिलता है माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, ये माइक्रोमीटर का सिंबल है, या तो आप ऐसे जैसे ये लिखा है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 10 to the power 6 माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो का मीनिंग ही आपको मैंने क्या बताया था, ध्यान से समझो, जब यूनिट कन्वर्जन जो इसकी पहले वाली जो क्लास हुई थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6, ठीक है। तो अगर मैं माइक्रो को हटा के केवल मीटर में लिखना चाहूं तो आप क्या लिखोगे, 10 to the power 6, ये तो लिखा ही था पहले से ही, और माइक्रो के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे कितना स्टूडेंट्स, 10 to the power -6, और मीटर एज इट इज वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो अभी जरा इसको सॉल्व करो, ये जो डॉट मैं बनाता हूं ना, ये समझो कि ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन होना है, याद करो मैंने आपको सिखाया है कि अगर इसका बेस मतलब जो नीचे 10 लिखा है यहाँ, तो यहाँ भी 10 लिखा है, तो ये पावर क्या होती है, मतलब ये जो घात है स्टूडेंट्स, ये जुड़ जाती है, ठीक है, याद रखना इस चीज को, 10 बेस में दोनों कॉमन है तो 10 लिख दिया, और इसको घातों को जोड़ दो तो 6 - 6, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक दूसरे से माइनस हो गया, और मीटर में लिख दो, तो अगर 10 to the power 6 - 6 को क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, 0 पावर हो गई ना, इसकी जो मतलब जो घात है वो हो गई 0, तो 10 की घात है 0 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, केवल 1, ठीक है, याद रखना, किसी भी जैसे a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, ठीक है, 200 की पावर 0 1, मतलब किसी भी चीज का जो भी आप बोलना चाहो, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू बोलना चाहो, सब की पावर 0 मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो याद रखना, तो इसका मतलब हुआ कि आपका, चलो इसको मैं मिटाता नहीं हूं, आप इसको ध्यान रखना,
ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन हो गया। तो आंसर आपका कौन सा सही हो गया जरा बताना, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है। तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 में इकाई न्यूटन मीटर और जूल, तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये न्यूटन मीटर और जूल होती किसकी यूनिट है। जूल किसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स, ऊर्जा की, ऊर्जा की यूनिट होती है, मतलब एनर्जी की यूनिट होती है। तो अगर ये एनर्जी की यूनिट है और इसमें कह रहे हैं इसका संबंध बताओ, न्यूटन मीटर और जूल में क्या संबंध है ये बताओ। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ये बता दूं मैं कि संबंध मतलब यूनिट में, मात्रक में संबंध उसी में स्थापित कर सकते हैं जिसकी कॉमन यूनिट हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी एक तरीके का एनर्जी का ही यूनिट होगा, तभी तो संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये भी हो गया ऊर्जा का मात्रक, ठीक है। तो अभी अभी चलो मैं आपको बताता हूं कि बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं है। 1 न्यूटन मीटर को ही हम लोग 1 जूल बोलते हैं, कैपिटल जे से शो करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो देखो आंसर नंबर आपका कौन सा इसमें से नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो मैं कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ इसी वजह से क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है। न्यूटन मीटर जूल को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक है। अभी जब वर्क डन आप पढ़ोगे, देखो जब कार्य पढ़ते हो स्टूडेंट्स, जब कार्य पढ़ते हो तो कार्य बराबर क्या लिखते हो बताओ जरा, तो बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बल गुणे विस्थापन पढ़ते हो। तो बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और विस्थापन की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, मीटर, ठीक है, विस्थापन मीटर हो गई। तो अभी ये अगर यूनिट बनाओ तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर। अच्छा अब आप सोच रहे हो ये तो सर आपने कार्य की यूनिट बता दिया, तो कार्य की यूनिट जूल भी तो होती है ना, कार्य की यूनिट जूल भी तो होती है, ठीक है। एक्चुअली एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो एक तरीके से कार्य की यूनिट और एनर्जी की यूनिट तो बराबर हुई, तो न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल बोलते हैं, ठीक है, याद रखो इस चीज को, न्यूटन मीटर को स्टूडेंट जूल बोलते हैं। तो आंसर नंबर आपका बी सही हो गया, ठीक है। चलो तो 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए 1.75 इंच को मिलीमीटर में बदलना है, तो बहुत ही सिंपल है। अभी अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि 1 इंच, 1 इंच में कितने एमएम होते हैं जरा बताना तो मुझे, तो 1 इंच में होते हैं, अगर अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 2.54 सेंटीमीटर, और अगर इसी को एमएम में बात करें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा आपका 25.4 mm, ठीक है, ये तीनों बराबर है, ठीक है, 25.4 mm। तो अगर अब हम बोलें कि 1.75 इंच इंच की बात करें, 1 इंच में तो इतना होता है, लेकिन अगर 1.75 इंच की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स, ध्यान रखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 1.75 ये तो है ही है, तो 1 इंच में अगर इतना इतने एमएम है, मतलब 25.4 mm है आपको पता है, तो ये अगर ज्यादा इंच की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ज्यादा एमएम होगा। तो ज्यादा एमएम कैसे पता करेंगे, 1.75 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करो, 25.4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 25.4 हो जाएगा। तो जब ये आंसर निकालोगे आप तो इसका आंसर नियरली आ जाएगा 44 पॉइंट समथिंग आएगा, 44.5, देखो 45 जो लिखा है एमएम वो आंसर सही लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। एक बार सॉल्व करना, हो सकता है शायद मिस्टेक हो गई हो, लेकिन यही होगा, ठीक है, नियरली। देखो इसमें और तो यूनिट जिस हिसाब से दिया है इसमें वैल्यूज उस हिसाब से तो नहीं मैच कर रहा, हाँ यही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, तो बी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, फटाफट करते हैं, ठीक है। इसमें देखो कुछ है ही नहीं है ना, आप भी सोचोगे कि ये तो बस टाइम पास चल रहा है, ठीक है, जिन लोगों को आता है उनके लिए ये टाइम पास ही है लगभग। चलो 16 क्वेश्चन जो है आपका वो है, लिखा हुआ है 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सीखने को मिलेगा। इसको आपको बदलना है स्टूडेंट्स फॉरेनहाइट में, डिग्री फॉरेनहाइट में बदलना है। पहले आपको मैं बताता हूँ कि ये किसकी यूनिट होती है, तो आपको पता है कि ये टेम्परेचर की यूनिट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ताप, ये स्टूडेंट्स ताप की यूनिट होती है, ठीक। अब आपको मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो ताप की यूनिट है वो 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो यूनिट बताता हूं जो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट यूनिट मतलब मूल मात्रक, बताओ जरा तो मूल मात्रक क्या होता है। चलो आप सोचो तब तक मैं दूसरा लिखता हूं, और फिर हम लोग इसकी अदर यूनिट लिखेंगे, ठीक है,
और जो यूनिट होती हैं वो लिखेंगे, अदर यूनिट मतलब और जो मात्रक हैं, ठीक है, यूनिट मतलब मात्रक, ठीक, तो अदर यूनिट लिखेंगे। तो आपको अब मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स जो मूल मात्रक होता है वो आपने 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो पढ़ी थी उसमें एक टेम्परेचर भी था, याद करो, और उसमें जो मूल मात्रक होता है वो होता है केल्विन, ठीक है, और उसमें डिग्री नहीं लगाते, याद रखो। हम अगर आप ऐसे सोचो ना, कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि इसमें डिग्री केल्विन लगता है क्या, तो नहीं, ठीक है, डिग्री केल्विन नहीं लगता है, ये सीधे सीधे केल्विन होता है, ठीक है। अदर अदर यूनिट में बोलोगे तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा और डिग्री रोमर हो जाएगा, ठीक है, तो 3 यूनिट और होती हैं। अब अगर ये सब यूनिट इसी की हैं, टेम्परेचर की हैं, तो इसमें रिलेशन भी होना चाहिए, तो बिल्कुल रिलेशन भी है। आप देखो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, 2-3 बार अपने कॉपी पर लिखिए, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और वैसे रिलेशन आपको अच्छे से जानना हो तो आप थोड़ा बुक उठाइए, उसमें अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ MCQ सीरीज में मैं आपको पूरी वो बातें नहीं बता सकता, लेकिन हाँ आगे आएगा कभी इससे रिलेटेड, ठीक है, आपके सिलेबस में है वैसे ये, तो मैं उसको डिटेल से बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने कहा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट और डिग्री रूमर, ठीक है, ये रूमर है और ये फॉरेनहाइट है, याद रखो इस चीज को। रिलेशन अगर मैं आपको से पूछूं तो देखो स्टूडेंट्स, रिलेशन इसका होता है आपका सी मान लो और केल्विन माइनस कितना हो जाएगा 273, फॉरेनहाइट माइनस 32 और रूमर, ठीक है, ध्यान से समझ लो। देखो मैंने किस पे डिग्री लगाई ये, ठीक है, और इसके नीचे डिवाइड करो आप 5, इसके भी नीचे आप डिवाइड करो 5, इसके नीचे डिवाइड करो स्टूडेंट्स 9 और इसके नीचे स्टूडेंट्स डिवाइड करो 4, ठीक है। इस तरीके जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप 2-3 बार आप भी लिखो तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे नीचे की जो वैल्यू होगी उसको जरा याद कर लो, 5594, ठीक है, 5594 होगा नीचे की वैल्यू, और ऊपर क्या लिखोगे, डिग्री सेल्सियस और ये केल्विन माइनस 273, फिर आप लिखोगे फॉरेनहाइट माइनस 32 और लास्ट में लिखोगे रूमर। तो इस तरीके से याद करना है, और फिर उसके बाद ये एक एक न्यूमेरिक वैल्यू इसके नीचे डिवाइड कर दो, वो ऐसे याद करना है, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि हमें क्या रिलेशन चाहिए, जरा बताओ किसमें किसमें, हमें डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फॉरेनहाइट में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से आप ये और ये इक्वल कर दो, ठीक है। तो चलो जैसे ही हम लोग इसको इक्वल करेंगे स्टूडेंट्स, जरा देखो क्या आता है, समझो। अगर हम इसको देखो, ये तो वो आपस में सभी इक्वल हैं, तो आप किसी दोनों टर्म को भी इक्वल कर सकते हो। तो सी डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा फॉरेनहाइट माइनस 32, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आप याद करो बस, ठीक है, आपके के लिए इतना ही काम का है, डेरिवेशन काम का नहीं है, नहीं तो मैं बताता जरूर आपको, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 120, तो यहाँ पे लिखो 120 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू फॉरेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। जरा इसको और सॉल्व करो तब आपको पता चलेगा कि, रुको कलर आपके लिए चेंज कर लूँ फिर बताता हूँ। हाँ इसको जब आप और सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चलेगा कि इसे इसे ये कट करोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, चलो सॉल्व करो इसको पूरा पूरा। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ऐसे सॉल्व करना, 120 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई ये 5 तो था ही, इज इक्वल्स टू, चलो 5 का भी उधर कर लेते हैं, 5 को भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 का करने के बाद डिवाइड वाला टर्म एकदम हटा दो, ठीक है, तो जो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा उसमें आप देखो कि 5 का इससे मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई एफ माइनस 32, हमें ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5f माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 32 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 120 इंटू 9। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, कहाँ सॉल्व करें, चलो यहाँ पे जगह है यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हाँ इसमें मैंने कहा था कि ये केल्विन होगा ना कि डिग्री केल्विन, ठीक है, तो डिग्री केल्विन गलत है याद रखना, ये मैं बोल रहा था। अच्छा चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 120 इंटू 9, मल्टीप्लाई करना इसको, और इधर जो ये जो माइनस में लिखा है स्टूडेंट, जब ये इक्वल की इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा प्लस 5 इंटू 32 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 और f फॉरेनहाइट, आपको फॉरेनहाइट में ही निकालना है, तो अब सीधे सीधे आप f की वैल्यू लिखो, तो f की वैल्यू हो जाएगी। इसको सॉल्व भी करते रहना, मैं अभी डायरेक्ट आपको पूरा बताता चल रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आए कि क्या करते हैं कैसे। प्लस 5
प्लस 5 × 32, ये पूरा टर्म मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5। अब ये आप सॉल्व करोगे और मैं सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ कि इसका क्या होगा। इसका आंसर मे बी जो मुझे याद आ रहा है वो शायद 248 है, ठीक है, 248 है, ठीक है स्टूडेंट्स, 248 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। वैसे आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं सॉल्व करने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, इसको सॉल्व करना, अगर ये आंसर आता है तो आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, ठीक है, फॉर्मूला आपको हमेशा इसको माइंड में रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ये चीज़ें आपसे कई बार पूछी जाती है कि बताओ टेम्परेचर की फंडामेंटल मूल मात्रक कौन सा है, तो आपको कैल्विन बताना है, ना कि ये सब, ठीक है, ये अदर यूनिट है जिसका रिलेशन इस तरीके से है, ठीक। चलो तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन के बदले में ये कई चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं, ठीक है, थीके? तो ये हुआ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट्स देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में हो गया आपका, देखो एम के एस और एस आई, थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है कि कंप्लीट फिर नहीं हो पाएगा इस तरीके से। एम के एस और एस आई, ठीक है, एम के एस एस आई नियरली इक्वल होते हैं, ठीक है। वजन का मात्रक देखो, वजन का मतलब क्या है, ठीक है, वजन का मतलब देखो, यहाँ पे अगर वजन लिखा है तो ये हिंदी भाषा में आपको वजन का मतलब एक तरीके से द्रव्यमान नहीं है, ध्यान रखना द्रव्यमान नहीं है, इसलिए मैं लिख के क्रॉस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, द्रव्यमान नहीं है, ठीक है, वजन का मतलब होता है भार, ठीक है, वजन का मतलब होता है भार। तो द्रव्यमान की यूनिट क्या जानते हो, केजी, तो केजी इसका मतलब इसकी यूनिट नहीं है, ठीक है। और वजन भार का क्या मतलब है, भार बराबर क्या होता है जरा बताना, तो भार बराबर होता है द्रव्यमान, अभी एक आया भी था ये ऊपर क्वेश्चन है ना, द्रव्यमान गुणे जी की वैल्यू है ना, ये होता है। तो इसको जब हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको लिखा करते हैं हम लोग 1 kg वेट, ऐसे 1 kg वेट, और इसको हिंदी में अगर बोलो आप तो 1 kg भार, ऐसे लिखा करते हैं, ठीक है। तो जरा आंसर मैच कराओ कि कौन सा आंसर सही है इसमें, तो आंसर से आपको पता चल जाएगा, आंसर मैच कराओ इसमें जरा, तो कौन सा आंसर है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आंसर आपका निकल के आ रहा है बी, ठीक है, तो बी आंसर आपका सही हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं जल्दी से। अब देखो हाँ, द्रव्यमान का भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 18 में द्रव्यमान का आपसे पूछ लिया, अब आपकी कंफ्यूजन भी चलो क्लियर हो जाएगी, सॉरी द्रव्यमान भार का मात्रक, हालांकि देखो भार इन्होंने गलत लिख दिया है, ठीक है, वैसे ये भार गलत लिखा है, भार नहीं बोलते उसको हम लोग, ठीक है, भार तो वेट को बोलते हैं, ठीक है, द्रव्यमान इसको सीधे सीधे जो यूनिट जिस हिसाब से दी हुई है उस वो ये द्रव्यमान जानना चाह रहे हैं। चलो इन ये थोड़ा सा इसको कन्फ्यूजन इनकी दूर कर लो अपने से, मैंने कहा कि द्रव्यमान को एम से शो करते हैं और द्रव्यमान की यूनिट होती है केजी, लेकिन यहाँ इन्होंने लिख दिया है भार, स्टूडेंट्स भार वेट को बोलते हैं, ठीक है, वेट को बोलते हैं, ठीक है, और जो जो एम जिसको मैं लिख रहा हूँ एम वो एक्चुअल में क्या है, मास, ठीक है, तो मास को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ कई बार आपके लिए लिख दे रहा हूँ, याद रखना, इसको डब्ल्यू से शो करते हैं तो भार इसको कहते हैं या वजन कहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। तो यहाँ फिलहाल आपसे पूछा है एम की यूनिट, एम मीन्स द्रव्यमान के बारे में आपसे पूछा है, द्रव्यमान का मात्रक पूछा है जिसकी यूनिट होती है केजी। तो चलो जरा आंसर मैच कराओ फटाक से, आंसर हो गया आपका सी आंसर, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जो मैं बता रहा हूँ उस पर भरोसा करते हुए आप आगे बढ़ो, ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, गलत भी आ सकते हैं, हालांकि मैं बोर्ड के क्वेश्चंस को गलत नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी बाय मिस्टेक हो सकता है कि गलत हो गया हो, ठीक है, या प्रिंटिंग में कुछ गलत हो गया हो। चलो विद्युत ऊर्जा की इकाई, ठीक है, वैसे कौन सा क्वेश्चन हो गया था 18, ठीक है, तो चलो 19th क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई, पता है क्या आपको वैद्युत ऊर्जा की इकाई, आपको पता होना चाहिए किलो वॉट आवर, ठीक है, तो अगर अगर आप सीधे लिखो केवल किलो वॉट, किसी को कन्फ्यूजन हो तो ये होती है पावर की यूनिट, याद रखो शक्ति की यूनिट है ये तो, ठीक है, ये तो शक्ति की यूनिट है, लेकिन अगर किलो वॉट आवर की मैं बात करूं तो शक्ति गुणे टाइम, तो उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा, समझ गए, एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है। चलो मजे से पढ़ते रहो है ना, इसमें दिक्कत ही क्या है। चलो तो ये हो गया आपका एनर्जी की यूनिट, तो जरा देखो कौन से उसमें लिखा हुआ है, आंसर नंबर बी है आपका, ठीक, बाकी जो यूनिट लिखी हुई है वो एक वोल्ट है, एक वॉट है, ठीक है, तो वो सब यूनिट शक्ति शक्ति की है और उसका है विभव का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। लिखा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चलो लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, चुंबकीय, थोड़ा समझ लिया करो इसको, है ना, जल्दी जल्दी लिखने में गलत हो जाता है हल्का फुल्का। फ्लक्स घनत्व, अब मैं इसको बताता हूँ आपको इंग्लिश में, ठीक है, जो बच्चे इसको जानते हैं अच्छी बात है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और जिसको हम लोग किससे शो करते हैं स्टूडेंट्स, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से हम लोग शो करते हैं, ठीक है। चलो तो इसके लिए इन्होंने पूछा है मात्रक क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है, मैं दो तीन मात्रक आपको चलो बताता हूँ। अगर मैं केवल फ्लक्स की बात करूँ, मतलब किसकी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूँ, अगर मैं केवल मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, क्या लिख दे रहा हूं एक मिनट रुको, अगर मैं केवल आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो उसकी यूनिट होती है वेबर, ठीक है। चलो दो यूनिट बताता हूं, यहां पे देखो लिखा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो उसकी यूनिट होती है वेबर, ठीक है, याद रखना वेबर इसकी यूनिट होती है, डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की अगर बात करूं, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो उसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान रखो इस बात को। और स्टूडेंट्स इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला भी बोलते हैं, ठीक है, टेस्ला कैपिटल टी से शो करते हैं, अगर यूनिट आप दिखाओगे तो कैपिटल टी लिखोगे, ठीक है, ये आपको दिमाग में एकदम अच्छे से रखना है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे आपको वेबर का मतलब हुआ डब्ल्यू बी, ठीक है, वेबर से ऐसे शो करते हैं, यहाँ आपके लिए एक यूनिट हो गई वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, ठीक, इसको याद रखो इस चीज़ को। और इसको हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, और कैसे लिखते हैं, एल है, ठीक है, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब आंसर आप बताओ मुझे कि आंसर अब क्या हुआ, तो इसका आंसर मैच कराओ, हाँ आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर नंबर ए, देखो उसमें टेस्ला दिया हुआ है, वेबर किसकी यूनिट होती है, सेकंड ऑप्शन पे जो दिया हुआ है वो है आपकी फ्लक्स की यूनिट, एम्पियर टर्न ये एमएमएफ की यूनिट है, और वेबर पर मीटर, ठीक है, इसको छोड़ो अभी, ठीक है, ये यूनिट अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके 20 क्वेश्चंस, ठीक है, तो चलो अब 21 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इजी है सब ऐसे ही, है ना, इसमें कोई हार्ड नहीं है, अच्छे से आप पढ़ लो, और इस अगर आपको ये इजी नहीं लग रहा है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप पहली क्लास देखो, इससे जो पहले मैंने एक क्लास लिया है वर्कशॉप कैलकुलेशन की, उसको देख लो, उसमें कई यूनिट कन्वर्जेंस के बारे में मैंने सिखाया है आपको, तो अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है, तो इसको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो। चलो इसमें देखो लिखा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ध्यान से समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इन्होंने जूल में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। अभी मुझे बता दो जरा जूल यूनिट किसकी है, तो आपको पता चलेगी ये तो एनर्जी की यूनिट है, ठीक है, ये ऊर्जा की यूनिट है, ठीक, ऊर्जा की यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होगी, ये भी ऊर्जा की ही होगी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि ये न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर लेवल पे अणु परमाणु के लिए जो विद्युत ऊर्जा, मतलब ऊर्जा जो डिसाइड करते हैं, ऊर्जा लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान से सुनो ये लिखा क्या है, पहले तो आप इसको पढ़ना सीखो, ई वी का मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। अभी अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूं तो इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ जो आवेश है इसका, तो आवेश इलेक्ट्रॉन का कितना होता है जरा बताना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, तो चलो कूलम छोड़ दो, बाकी लिख दो यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है कूलम लिख लेते हैं, चलो ठीक है आप लिख ही लेते हैं, मतलब यूनिट में आपको कन्वर्ट करके बता दिया हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ये हो जाएगी जूल में, ठीक, याद रखना, ठीक, ये हो जाएगा आपका जूल में, कहने का मतलब ये होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। स्टूडेंट्स देखो 21 का आप आंसर देखो कौन सा सही है, तो आंसर नंबर आपको बी सही समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आज तो ज्यादा आंसर बी ही से लग रहे हैं, ठीक है, 21 का आपका बी आंसर सही है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जे, तुक्का मारने के लिए मत सोचना, ठीक है, कि बी आंसर ही ज्यादातर सही होता है, वो तो मेरा नाम है ब्रजेश, ठीक है, तो सोचो कि नहीं ब्रजेश सर पढ़ा रहे हैं इसीलिए बी आंसर ज्यादा सही है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो 22 क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, लिखा है 1 HP किसके बराबर है, देखो आ गया वो क्वेश्चन,
जो मैंने कहा था सिंपल, अगर आपसे 1 HP पूछेगा तो कितना लिखोगे, 746 लिखोगे, 746 वॉट लिखोगे। देख लो ये आंसर आपके सामने है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 746 किस में, सी पे, ठीक है, बाकी आपको और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, सी दाब की यूनिट, चलो दाब की यूनिट, हाँ चलो अभी दाब का भी एक चैप्टर है, ठीक है, आगे ये अभी आपको सब पढ़ना है, जो जो चीजें यहाँ आ रही है ना सब पढ़ना है। दाब का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखो मात्रक और इकाई एक ही बात है, ठीक है, मात्रक और इकाई एक ही चीज को बोलते हैं। चलो अभी पहले, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दाब के कितने मात्रक आपको समझने हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है पास्कल, ठीक है, पास्कल बच्चों, ठीक है, पहली यूनिट हो गई, दूसरा हो गया एटीएम, ठीक है, तीसरा हो गया बार, ठीक, और एक यूनिट होती है टॉर, ठीक, तो ये कई यूनिट्स हैं इसमें, ठीक, और यूनिट का कन्वर्जन चलो बता ही देते हैं आपको, कन्वर्जन भी आपको सिखाई देते हैं। चलो यूनिट कन्वर्जन में आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना कि लिख दे रहा हूँ मैं, आप इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। पहले आप पास्कल की बात कर रहे हो ना, तो पास्कल के लिए चलो पास्कल और बार में रिलेशन बताता हूँ मैं आपको। 1 bar, ठीक है, बार बड़ी यूनिट होती है, ठीक है, बी से आप बड़ी याद कर लो इसलिए, ठीक है। तो 1 bar इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट 10^5 पास्कल, मतलब पास्कल यूनिट तो सही है लेकिन ये छोटी यूनिट है, क्यों, क्योंकि इसके साथ देखो न्यूमेरिक वैल्यू अगर बड़ी हो जाए तो स्टूडेंट यूनिट छोटी हो जाती है, आपको पता है मैंने, बार इसकी काफी बड़ी यूनिट होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर की जो यूनिट होती है बार होती है, पास्कल होती है, एटीएम होती है, एटीएम ये वो वाला एटीएम नहीं है जिससे पैसे खींचते हो, ठीक है, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है, ठीक, और टॉर होता है एक, ठीक। चलो तो एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरी चीज आपको ये समझना है, हाँ 1 ATM, ATM है ना ये, ATM 1 ATM इज इक्वल्स टू कितने बार होते हैं ये समझ लो। तो देखो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आता है, 1.013, हाँ सही है, ठीक है, ये हो जाता है इतने बार, ठीक। एक और याद रखो स्टूडेंट्स, 1 ATM में ही हम लोग टॉर भी बताते हैं, तो 760 टॉर होता है, ठीक है, तो 760 जो मतलब टॉर और छोटी यूनिट है इसका, मतलब समझ रहे हो, एटीएम से भी छोटी यूनिट है, बार तो एटीएम के लगभग बराबर है, देखो एटीएम और बार लगभग बराबर मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 1.013, तो नियरली सेम है, लेकिन अगर मैं टॉर की बात करूँ तो ये तो और कम है, देखो 760 इज इक्वल टू 1 ATM, ठीक है। देखो फिर से मैं बता देता हूँ कैसे हम लोग समझ रहे हैं कि ये कम है, मतलब छोटी यूनिट है या बड़ी यूनिट है, कैसे समझते हो इस बात को। अगर जैसे ये एक रिलेशन लिखा हुआ है, हमने कहा 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर, मतलब 760 टॉर जब आप बोलोगे तब जाके वो केवल 1 ATM के बराबर होगा, तो इसका मतलब ATM बड़ी यूनिट हो गई और टॉर छोटी यूनिट हो गई, समझ गए, ऐसे समझने हम लोगों को। चलो तो 23 का आंसर अब बताओ बाबा इसी बात पे आप, तो इसमें देखो लिखा हुआ है पास्कल, पहली ही यूनिट इसकी सही है, ठीक है, जो ए आंसर है वो आपका बिल्कुल सही है। उसके अलावा लिखा है न्यूटन न्यूटन मीटर, मीटर, तो तो न्यूटन न्यूटन मीटर मीटर नहीं नहीं होता होता है, है, न्यूटन न्यूटन मीटर मीटर तो तो एनर्जी एनर्जी है, है, एनर्जी एनर्जी की की यूनिट यूनिट है, है, वर्गन वर्गन की की यूनिट यूनिट है, है, ठीक ठीक है, है, न्यूटन न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर भी भी नहीं नहीं है है ना ना तो तो न्यूटन न्यूटन पर पर मीटर मीटर है, है, ठीक ठीक है, है, अच्छा अच्छा एक एक यूनिट यूनिट चलो चलो न्यूटन न्यूटन पर पर मीटर मीटर से से याद याद आया, आया, न्यूटन न्यूटन पर पर मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर भी भी यूनिट यूनिट होती होती है है जिसको जिसको हम हम लोग लोग पास्कल पास्कल कहते कहते हैं, हैं, ध्यान ध्यान रखना रखना न्यूटन न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर को को ही ही हम हम लोग लोग पास्कल पास्कल बोलते बोलते हैं, हैं, ये ये अब अब लिख लिख ही ही देता देता हूँ हूँ आपके आपके लिए, लिए, ठीक है, ये भी आपको एज इट इज साफ सुथरा ढंग से याद कर लेना है, बिल्कुल ढंग से, ठीक है। मैंने कहा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको ये स्टूडेंट्स ये चारों अच्छे से बढ़िया याद कर लो, इसको नोट्स बना लो, है ना, धीरे धीरे याद हो जाएगा, जब यूज करोगे यूनिट्स का तो याद हो जाएगा। अब जैसे आपसे आपसे ऑप्शन में यही पूछ रहा है, ठीक है, चारों दे देगा एक नहीं देगा तो फिर बोलेगा इसमें से कौन से प्रेशर की यूनिट नहीं है, तो आपको कम से कम एटलीस्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो तो 23 का कौन सा आंसर सही है, हाँ ए आंसर मैंने बोला ना, ए आंसर सही है, ठीक है, ठीक है। 24 देखो स्टूडेंट्स, 24 क्वेश्चन नंबर 24, 1 bar इज इक्वल टू, देखो आ गया 1 bar इज इक्वल टू पास्कल में पूछ रहा है, तो बताओ 1 bar, 1 bar ऊपर ही लिखा है, सिंपल है, 10^5 पास्कल, ठीक है। चलो देखो आंसर, हाँ 0 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसको 10^5 है ना, तो इसको 50 बना लो, ठीक है, तो 50 पास्कल। अब आंसर मिलाओ तो आपको आंसर नजर आएगा डी, ठीक है, तो आंसर नंबर आपका हो गया डी, ठीक है। चलो 25th क्वेश्चन लेते हैं, 25th क्वेश्चन में आपको ये समझना है
कि एमएमएफ की यूनिट क्या होती है, ठीक है। ये मैग्नेटिक टर्म है स्टूडेंट्स, एमएमएफ, ठीक है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स इसको बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटो मोटिव फोर्स एमएमएफ की यूनिट क्या होती है। तो अभी फिलहाल के लिए आप एमएमएफ की केवल यूनिट समझ लो, ठीक है। इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स एम्पियर टर्न, ठीक है, एम्पियर टर्न इसकी यूनिट होती है। ऐसे लिखते हैं एम्पियर टर्न, 80 ऐसे करके लिखा करते हैं, और बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसका आंसर देखो सी है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलो 26 देखो, 1 MP, 1 MPa, ठीक है। तो PA का मतलब क्या है? हाँ देखो 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 देखो, यहाँ पे और एक चीज़ बताना भूल गया, PA, PA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पास्कल को ऐसे लिखते हैं, 10^5 PA, ठीक है, ये PA लिखा हुआ है, मतलब पास्कल लिखा हुआ है। तो ये लिखा है 1, और कैपिटल एम का क्या मीनिंग होता है जरा बता दो, इसी बात पे याद करो। जब मैं बोलता हूँ माइक्रो तो इसका मीनिंग क्या होता है? 10^-6। जब मैं बोलता हूँ kg इसका मीनिंग होता है 10^3, मतलब 1000 के बराबर होता है। और अगर मैं लिखूँ मेगा, ये मेगा सिंबल है जो कैपिटल एम लिखा है यहाँ पे, उसका मतलब होता है 10^6। तो अभी अगर मैं इसको मेगा को हटा दूँ, केवल पास्कल में लिखना चाहूँ, तो 1 1 × मेगा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 10^6, और पास्कल को एज इट इज लिखे रहने देंगे। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 10^6 पास्कल। तो जरा आप आंसर मिलाओ इसी बात पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि 26 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे एक को अभी और लाना है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, इसी का जस्ट आगे वाला पार्ट, सेकंड पार्ट आएगा आपके लिए, उसमें भी कुछ मैं आपको यूनिट्स ऐसे ही सिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन, ठीक है। इसके आगे का जो चैप्टर है वो फ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसकी थियरी पढ़ेंगे, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। वेल एक्सप्लेन्ड वे में मैंने इसको सब समझाया है। अगर केवल टाइम पास करना होता तो बस टिक मार के आगे बढ़ते चले जाते, ठीक है। इस तरीके से तो 60-70 क्वेश्चन भी कर सकते थे, लेकिन ये वो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगा स्टूडेंट्स। जो पढ़ लो आप, तो एटलीस्ट उसकी वजह से आप 8-10-15 क्वेश्चन और बना पाओ, समझ लो कि हाँ इससे क्या रिलेटेड है, ठीक है। तो वैसे अब इसी में देखो, जैसे अगर 26 क्वेश्चन आपने किए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि 26 क्वेश्चन प्लस आपका और नियरली 10 to 15 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो लगभग ये आपको 40 क्वेश्चन नियर अबाउट आता है, ठीक है। तो आपका इसका मतलब थंबनेल वाला जो वो है वो पूरा हो गया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, और शेयर करते रहिए, ठीक है। अगर समझ में आता है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, क्योंकि एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, है ना, 1.5 महीने 2 महीने बचे हुए हैं। इसको आप लोग अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिए, अच्छे से पास हो जाइए। 2018 वालों का रिजल्ट भी आया है, उनका भी अभी एग्ज़ाम होना है, एक लास्ट पेपर उनका छूट गया है, तो वो पेपर वो लोग देंगे। आप लोगों का फर्स्ट ईयर वाला ये पेपर होना है, ठीक है, जुलाई में। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, मस्त रहिए एकदम, ठीक है, थैंक यू।